अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में दरगाह के पास जमीन को लेकर एक हिंसक झड़प हुई है, जिसके बाद से यूपी पुलिस एक्शन में आई है। आपको बता दें ये पूरा का पूरा मामला एटा का है। एटा में दरगाह के पास ये हिंसक झड़प हुई है, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 16 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 16 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके पर खड़ी वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि जहां पे हिंसक झड़प हो रही थी वहां पे कुछ वाहन खड़े थे, जिसके अलावा उन वाहनों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों पे पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद से वहां पे मौजूद स्थानीय परिवारों ने इसका विरोध किया। उसी में से एक परिवार था उपाध्याय परिवार। जब उसने इसका विरोध किया तो विरोध करने पर जो अराजक तत्व थे उन्होंने उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के कारण स्थिति बिगड़ गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग थे वहां पर मौके पर मौजूद लोग थे वो डर कर इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद से पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या की नियत, दंगा फैलाने के आरोप के तहत मामला दर्ज करते हुए बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद से 16 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है।